तो मैं पहना हूं कपड़ा सफेद और इस दीवार का रंग भी है सफेद। रंगों से क्रांति का कुछ तो संबंध होता है, जरूर होता है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है। हम आपको ले चलते हैं कि यात्रा में। वो यात्रा है आज जिसका जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है हम बता रहे हैं। पहले तो जय भीम और जय सतनाम। आपको नहीं पता होगा कि जय सतनाम उसका मतलब क्या है, और बहुत लोग तो इतिहास को देखते नहीं है, इतिहास को पढ़ते नहीं है, और जबकि एक नया तरीके का इतिहास दुनिया भर में गढ़ा जा रहा है। तो जरूरी है कि हम इतिहास में जो हुआ है, जो क्रांतिकारी रहे हैं, उनको याद करें और उनका जो पंथ रहा है, उनका जो रास्ता रहा है, उनके रास्तों को समझें और उसको उससे जुड़ने की कोशिश करें। तो ये बस मेरा एक छोटा सा प्रयास है। बाकी तो क्रांति का एक लंबा इतिहास रहता है। हम धीरे धीरे करके उसको थोड़ा सीखेंगे, जो सीखे हैं उसको निकालेंगे, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। चूंकि मैं खुद छत्तीसगढ़ का हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे पास प्रिविलेज है तो इतिहास को थोड़ा लाया जाए, और छत्तीसगढ़ का जो इतिहास रहा है, तो ये जो इतिहास मैं बता रहा हूँ अभी, वो बहुत अनोखा है कई मामलों में। तो ये जो इतिहास है, वो इतिहास है दलित लोगों का इतिहास, दलित क्रांति का इतिहास छत्तीसगढ़ में। ज़्यादातर जो लोग हिंदी बेल्ट के लोग हैं, जो हिंदी मीडिया के हैं, वो अम्बेडकर से परिचित हैं और फूले के काम से लोग जानते हैं, सावित्री बाई के काम से लोग परिचित हैं, मतलब धीरे धीरे परिचित हो रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। हालांकि एक लंबा समय लगा है उसको जानने में भी, लेकिन उससे हम थोड़ा पहले और जाएं तो ज़्यादातर लोगों को, मैंने छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर भी मैं रहा हूँ और अभी भी घूमते रहता हूँ, लेकिन कभी किसी को गुरु घासीदास का नाम नहीं पता है, इतना मैंने देखा है, अनुभव किया है, किसी भी साहित्य दर्शन में, मतलब जो दलित बहुजन का साहित्य दर्शन है उसमें, और बाहर में भी, छत्तीसगढ़ से बाहर में भी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाहर में भी गुरु घासीदास को लोग जानते नहीं हैं। तो थोड़ा सा हम उस पर बात करते हैं कि कौन है गुरु घासीदास और क्यों जरूरी है इस इतिहास को जानना और इसको सामने लाना। तो गुरु घासीदास जो है, जिनको संत गुरु घासीदास के नाम से भी जाना जाता है, वो छत्तीसगढ़ के एक संत रहे हैं, जिसका जन्म जो है 18 दिसंबर 1756 को माना जाता है। और उसका जो परिनिर्वाण दिवस है संत गुरु घासीदास जी का, वो हुआ था 20 फरवरी 1850 को। तो गुरु घासीदास जी का जो एक जो समय था, वो लगभग 90-92 साल का था छत्तीसगढ़ में। अब उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक पंथ की स्थापना की थी, एक पंथ की शुरुआत की थी, उसका नाम था सतनाम पंथ। अब ये जो सतनाम पंथ है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसका भी एक लंबा इतिहास है। तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, लगभग उसके जन्म से 100 साल पहले जाएं, शायद बहुतों को नहीं पता हो कि सतनाम का मतलब क्या होता है। तो सतनाम की शुरुआत हुई थी, शायद आप इससे परिचित होंगे, ये गौतम बुद्ध का प्रतिमा है। तो गौतम बुद्ध के किताब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी सतनाम शब्द बहुत बार आता है, और फिर बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका इसका वर्णन है कि उसका मतलब होता है कि जिसका नाम सत्य है वही ईश्वर है, ऐसे ईश्वर की परिकल्पना एक अलग तरीके से की गई है। तो सतनाम शब्द की शुरुआत वहाँ से हुई है, बाद में धीरे धीरे इसका एक लंबा इतिहास रहा है, हम उन्हीं इतिहासों पर थोड़ी सी झलक डालेंगे। हुआ क्या था कि औरंगजेब जो मुगल शासक थे, उसका शासन काल रहा था पंजाब में 1656 से 1707 के बीच में, ठीक है। और उस समय बहुत बगावत हुआ करता था सिखों के बीच और सिख और मुगल के बीच, तो वो लड़ाइयाँ तो है इतिहास में, है वो आप पढ़ सकते हैं। उसी बीच में 1662 के लगभग, ठीक है, जो श्रमिक वर्ग के लोग थे, ज़्यादातर लोग उसमें जो थे वो दलित थे और आदिवासी लोग थे, तो उनके साथ बहुत प्रताड़ना होती थी। तो उन्होंने अपना एक अलग समुदाय बनाने के बारे में सोचा कि हम इस क्योंकि उनके साथ जो अपर कास्ट के लोग, जो लोग थे तथाकथित तो अपर कास्ट लोग, उनके द्वारा यातनाएं होती थी, फिर मुगल जो करता था वो तो कर रहा था। तो उन्होंने अपना एक अलग पंथ बना लिया, अपना एक समाज बना लिया, सतनाम समाज। तब अभी आज के समय में जो ये सतनाम पंथ छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, थोड़ा अलग था, हालांकि ये उसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको समझना जरूरी। फिर उन्होंने जब इसकी शुरुआत की थी 1662 के लगभग, तो ये जो श्रमिक वर्ग थे, जिनको मेहनताना नहीं मिलता था, जिनके साथ जाति और उनके किसी भी तरीके के पहनावे, उनकी सभ्यता, सबको लेकर उनके साथ प्रताड़ना होती थी, तो उन्होंने अपना एक समूह बनाया था। और उस समूह से मतलब लोगों को इकट्ठा करते थे, और उन्होंने बगावत करी मुगल के खिलाफ, ठीक है, इस समाज के
प्रतिनिधित्व में, तो इस शब्द से आप भी जुड़ पाएंगे और इससे जुड़ी हुई क्रांति को आप समझ पाएंगे। तो ये जो सतनाम दर्शन या सतनाम क्रांति की जो शुरुआत है 1662 के लगभग पंजाब के नारनौल में हुई थी इसकी शुरुआत। और इसके पीछे मतलब गुरु घासीदास के जो एंसेस्टर थे, उसके जो पुरखे थे, वही लोग इसमें शामिल थे इसमें। और वो लोग किस परंपरा से उत्प्रेरित होते थे, वो लोग कबीरदास के, रैदास के, गुरु नानक सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इनके कामों से, इनके दर्शन से वो बहुत प्रभावित होते थे। तो ये उसी से जुड़ी हुई क्रांति है एक तरीके से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि कैसे ये क्रांति जुड़ी हुई है उन लोगों से जिन्होंने ब्राह्मणवाद, जातिवाद, छुआछूत और सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, बाल विवाह, तो ये सब उसमें शामिल थे। तो यही मतलब ये गुरु घासीदास जी है, गुरु घासीदास जी जो है उनके उसके पुरखे जो थे वहाँ पर जब ये शुरुआत हुई थी 1662 के लगभग, तो ये मुगल शासकों के खिलाफ इन्होंने बगावत करी, लड़ाई लड़ी। और जाहिर सी बात है इनके पास तोप बंदूक तो थे नहीं, जो ये सतनाम समाज का जो निर्माण किए थे, तो वो लोग लड़े मुगल के खिलाफ जब तक वो लोग लड़ सकते थे। और आखिर में फिर जब मुगल तोप बंदूक का इस्तेमाल करने लगे तो धीरे धीरे ये मतलब वहां से कहीं और जाकर बसने लगे, तो धीरे धीरे वो नारनौल से कहीं और जाकर बसने लगे। वो दिल्ली गए, बहुत सारे लोग बम्बई, असम, बिहार, और बहुत बड़ी आबादी जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंची। वो महानदी के किनारे जंगल हुआ करता था। महानदी छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी नदी है, तो वो महानदी के किनारे किनारे जाकर यहाँ बसे इसके पुरखे जो हैं। और वो यहाँ पर जाके बसे बिलासपुर, एक बिलासपुर जिला है छत्तीसगढ़ का, सेंट्रल इलाका है सेंट्रल छत्तीसगढ़ में, तब वो गिरौदा नाम से जाना जाता था, अब उसको गिरौदपुर बोलते हैं। वहीं पर उसका जन्म हुआ था गुरु घासीदास जी का। तो 18 दिसंबर 1756 को उसका जन्म हुआ था वहाँ पर, और उसका भी एक संघर्ष रहा है गुरु घासीदास जी का। तो गुरु घासीदास जी दलित समाज से थे, और हालांकि तब उनको दलित नहीं कहा जाता था, दलित तो बहुत राजनीतिक शब्द है आधुनिक काल में। तब उनको जो भी है, जिस तरीके से उनके साथ यातनाएं होती थी, आज के शब्द में अगर हम उनको दलित कहें तो ये उसी समाज से थे, और उनके साथ बहुत यातनाएं होती थी। जैसे उसके माँ बाप उसको स्कूल भेजना चाहते थे, लेकिन वो स्कूल जा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऊंची जाति तथा कथित ऊंची जाति के लोगों को बस स्कूल में पढ़ने की अनुमति थी। तो फिर क्या हुआ, गुरु घासीदास ने यह तय कर लिया कि वो अपने माँ बाप के साथ तो खेत में जाके काम करेगा, तो खेत में जाके उनके साथ काम करता था। फिर छत्तीसगढ़ में 1800 मतलब ये जो इसकी बड़ी जो क्रांति है ये उसने उसके माँ बाप तो इस बात से, वो तो रैदास और कबीरदास के जो पंथ पहले चला करते थे उससे वो बहुत प्रभावित थे, तो बचपन से ही उसकी शिक्षा उस तरीके से भी हुई, वो उसकी उसको इस बात की समझ थी। और जाहिर सी बात है कि वो बहुत अलग थे बहुत लोगों से, वो चीज़ों को समझता था बहुत अच्छे से, समाज में जो हो रहा है, जो देख रहा है, और उसने अपने तरीके से उससे लड़ने के लिए अपने तरीके अपनाए। तो 1820 से 1830 के लगभग ये जो सतनाम पंथ है इसने एक बड़ा रूप लिया छत्तीसगढ़ में, और वो बहुत महत्वपूर्ण समय है दलित साहित्य के लिए, दलित इतिहास के लिए, खासकर जो सेंट्रल इंडिया है उन इलाकों के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो 1820 से 1830 के बीच छत्तीसगढ़ में एक तरीके से मराठों का चलता था वहाँ पर, और तो उन उन, उन उनसे वो प्रताड़ित तो थे ही, और प्रताड़ित होते थे जो दलित समाज है वो, और आदिवासी समाज भी, और फिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी अपने चरम सीमा पर थी, जैसे आज है, बिल्कुल आज से कई गुना बदतर था। तो वो उसने ठान लिया था कि वो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, और उसने फिर पूरे छत्तीसगढ़ का मतलब सेंट्रल भारत का तो उसने भ्रमण किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ का कोना कोना उसने घूमा था, और लोगों में जागरूकता लाने का उसने कोशिश किया, और बहुत सफल भी हुए, और गांव-गांव में जाकर, हर नुक्कड़ पे जाकर वो प्रचार करने लगा कि कैसे हमको इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निकलना है। उस समय तो अभी भी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और बहुत इलाकों में छुआछूत अभी भी उतने ही स्तर पर होता है, मैं ये कहूँगा, अगर कम नहीं तो। तो उसके खिलाफ उसने लड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा करने लगा, और एक अलग तरीके के पंथ की स्थापना की, सतनाम पंथ।
जो कि 1662 में स्थापित सतनाम समाज और सतनाम दर्शन से जुड़ा हुआ था एक तरीके से। तो उसने इस पंथ की स्थापना की और उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे बहुत बड़ी मात्रा में। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बड़े स्तर पर लोगों के साथ शोषण हो रहा था, आज भी होता है। तो इसीलिए इतिहास को बीच बीच में देखना और उन पन्नों को पलटना जरूरी होता है, नहीं तो फिर हमारा कोई वजूद नहीं रह जाता इतिहास के बिना। तो गुरु घासीदास जी की जो सतनाम पंथ जिसकी उसने शुरुआत की थी, उसकी जो लड़ाई थी एक तरीके से, या वो जो विरोध था एक तरीके का, जैसे क्रांति कई तरीके से होता ना, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, या और कई तरीके हैं क्रांति का, तो रूप बहुत है। तो ये एक तरीके से इसको हम आध्यात्मिक क्रांति के रूप में देख सकते हैं कि जो छुआछूत, हालांकि ये कई और चीज़ों से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने इस जाति व्यवस्था से अलग हटकर अपना एक अलग पंथ बनाने की घोषणा की और उस पर काम करते रहे। और उसका मुख्य मकसद यही था कि जो जाति व्यवस्था चल रही है छत्तीसगढ़ में, जो चल रही थी तब वो छत्तीसगढ़ के नाम से नहीं जाना जाता था, तो उस समय बाल विवाह होता था, अभी भी होता है, लेकिन उसने बाल विवाह, सती प्रथा, जैसे राजा राम मोहन राय को जानते हैं सब लोग कि उसने सती प्रथा के लिए काम किया था, विधवा विवाह के लिए उसने काम किया था, लेकिन गुरु घासीदास जी भी उनमें से एक थे जिसने छत्तीसगढ़ के कोने कोने में इसके लिए बहुत काम किया। और उसका वो मूर्ति पूजा के भयंकर विरोधी थे कि मूर्ति पूजा होनी नहीं चाहिए, कोई इस तरीके का कोई पत्थर भगवान नहीं हो सकता है। और उसने सत्य के नाम को, सतनाम इसीलिए बोलते हैं, एक तरीके से उसने सत्य के जो नाम है उसी को ईश्वर माना और उसी को, उसी के प्रचार में वो लगा रहा कि पत्थर जो है वो ईश्वर नहीं हो सकता है, अपने अंदर ईश्वर है, आप उसकी खोज कीजिए। इसलिए एक आध्यात्मिक क्रांति है उस तरीके से देखा जा सकता है, जैसे गौतम बुद्ध का था कि खुद के अंदर एक तरीके के अध्यात्म की तलाश करना। लेकिन अगर हम आज के दौर में आए 2019 में, तो जैसे मैं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ के बाहर गुरु घासीदास जी को जानते नहीं है बहुत, लेकिन अब हालांकि मतलब मुख्य धारा में छत्तीसगढ़ जो कि अब राजनीति में एक बड़ी जगह है, तो मतलब तमाम तरीके के चोचले होते हैं कि 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती मनाया जाता है, और जैसे कि अंबेडकर के साथ हुआ है, या किसी भी और जो दलित, बहुजन, आदिवासी जो सामाजिक क्रांतिकारी रहे हैं उनको एक तरीके से भगवानीकरण किया जाता है, ठीक है, तथाकथित ये ऊंची जातियों के कारण, उनको बता देंगे कि फलाना भगवान का अवतार है। उसी तरीके से इसके साथ हुआ है गुरु घासीदास जी को, कि उसका फोटो भी आप देखेंगे तो लगता है कि वो कोई मतलब भगवान टाइप का है वो, ठीक है, रहे वो क्रांतिकारी पूरे जन्म भर, पूरे जीवन भर, ठीक है, लेकिन उसको उस तरीके से दिखाते हैं कि वो भगवान का एक रूप है, उसका एक अवतार है, वो चमत्कार है, उसके चमत्कार ऐसे वो हाथ दिखा देगा तो उससे नारियल निकलता है, वो लोगों का दुख हर लेता है, इस तरीके से कि ताकि लोगों को लगे कि लोग उसके उसका मंदिर बनाते हैं, वो मंदिर में जाकर वो नारियल लेके जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। ये तो लगभग हर दौर में होता है, जैसे बाकी अन्य जो लीडर रहे हैं उनके साथ हुआ, जैसे अब सिख धर्म के साथ भी ऐसा हो रहा है कि उसका भी एक तरीके से ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। तो ये बात है जो बहुत दुखद है, क्योंकि वो इसी के खिलाफ थे। तो ये बात भी जरूरी है कि हम इन बातों को समझें और जानें। तो आज जो हो रहा है 2019 में दुनिया भर में या भारत में भी, कि जिस तरीके से ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है अपने चरम सीमा पर है, तो मुझे लगता है ऐसे क्रांतिकारियों को याद करना जरूरी है और उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है, ताकि ये जो जातिवादी व्यवस्था है जो अब भी उतने ही चरम सीमा पर है, उसे लड़ना जरूरी है। और अगर हम इतिहास से ना जुड़े तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे? हमको तो सब फिर एक तरीके से, जिस तरीके से उसका ब्राह्मणाइजेशन किया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हमें इतिहास को जानें, और साथ ही जो गुरु घासीदास जैसे, अब तो उसका उसके नाम पे यूनिवर्सिटीज़ बन गए हैं, लेकिन उसी की यूनिवर्सिटी में उसको नहीं पढ़ाया जाता है। मतलब ये जो ब्राह्मणीकरण है उसका इतना लेयर है, उसकी इतनी परतें हैं कि आप एक परत उधेड़ोगे तो और कई परतें मिलती हैं, ठीक है, तो उससे निकलना भी मुश्किल हो जाता है। पर जो लोग, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो इस समाज से आते हैं, और जो भी इतिहासकार है, जरूरी है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाए, उसके बारे में जागरूकता ला जाए, और उसका जो मूल काम था उसको उसको बताया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, और उस समाज को आगे लाया जाए, शिक्षा के मामले में, सामाजिक क्रांति के मामले में, राजनैतिक मामले में,
और उसके ये जो उसके और कई रूप दिखाए जा रहे हैं समाज में, उससे बचना भी जरूरी है, क्योंकि ये वो यही चाहते हैं कि आप उसी में शामिल हो जो जिसमें वो शामिल करवाना चाहते हैं, तो इससे निकलना जरूरी है। ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा प्रयास था गुरु घासीदास जी के काम के ऊपर। वैसे तो उसका एक लंबा इतिहास रहा है, लंबा काम रहा है, उसका बहुत संघर्ष रहा है, आप पढ़ सकते हैं, उसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है नहीं उसके बारे में, लेकिन हमको लगता है कि मतलब बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा उसके बारे में, बहुत और जानना है तो। लेकिन बस एक छोटी सी शुरुआत थी, उम्मीद है कि आगे छत्तीसगढ़ से बाहर भी लोग उसके बारे में जाने, क्योंकि वो बहुत बड़े दलित क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जैसे अंबेडकर थे उसी तरह से, तो उसको जानना जरूरी है और उसको मुख्य धारा में लाना भी जरूरी है, ताकि उस समाज के बच्चे एक प्रेरणा ले सके। तो मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलती है गुरु घासीदास जी से, मैं उस खुद छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मेरी बस एक छोटी सी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि ये कारवां आगे बढ़ेगा और बढ़ना ही पड़ेगा। तो जय सतनाम, जय हिंद। और इस दिन पूरे छत्तीसगढ़ में, हर गली नुक्कड़ में, हर कोने में छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाती है शोभा यात्रा के नाम से। और इस दिन सफ़ेद रंग के स्तंभ पे सफ़ेद रंग का झंडा फहराया जाता है, जो शांति का प्रतीक है। और आखिर में एक पंथ गीत, सत्याधारी बन के आए जगमा तय महान, तय हलधर किसान, नरवा झोर की टोकरी पहरी, जंगल झाड़ी पाए हस, जंगल झाड़ी पाए हस, लागन भूखन खून पसीना, मेहनत पार बनाए हस, मेहनत पार बनाए हस, तारे सत्या है महान, जग दे अन्नदान, ला 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 ला